शंकर भगवान की, बोल जगदीश महाराज की। यो भगवान शंकर की कथा दूसरा नंबर की मैं आपके सामने पेश कर रही हूं। आज शिव पार्वती को झगड़ो और पंचायता की पंचायत के मायने जो न्याय है उनका बारे में आपके सामने यह कथा पेश कर रही हूं। मैं सुना था एक बार भगवान शंकर के आपस में दोनों जना के लड़ाई की, पार्वती जी के और शंकर भगवान के। शंकर भगवान गुस्सो खा और विष्णु भगवान का नजार खेचे कि महाराज मारी तो या अत्रि जीवान रम्मा धेरी छे कि मैं तो जहर खार मरवाने तैयार हो गए लेकिन मैं मरी हो। विष्णु भगवान बोलिया कि भाई काई बात छे, अजी कहते मारा घर कमाए ना तो अतरो जोरदार कले शरीर से मैं जीवे ही कहीं रह जू या तुम्हारी आत्मा जाने से कि बताओ तो शरीर काई बात छे। कि देखो पहली बात तो यह था तो एक लुगाई और मारे थे दो लुगाई, वहां दोनों की लड़ाई। अच्छा वहां दोनों कौन बने वह तो खेचे कि ये गंगा ने तो माता माड़े बैठा मिले छो और ये भांग दे तुरा घोट मान मैं छू तो दो लुगाया तो आपस में लड़े और मारे दो छे बेटा, एक को नाम विनायक जे और एक को नाम कार्तिकेय जे। वहां दोनों कौन बने क्योंकि ऊंको वान च मोर और ऊंको वान च ऊंद्रो, ऊंद्रा के उन मोर ने दे कर यह खजे की मारा धनी को ऑर्डर को नहीं तो सारा सारा भांगड़ा कुतर दू उठ बबूल जा मारा सु आगे कहें जाओ। और दूसरी बात कहे कि वह मोर यह खेचे कि मारो मालिक यह खेते ने जा भाई तू छूट बलना चे तो तारे एक चूच की सहन कौन कर सके तुम्हारी। उनका अलावा तीसरो दुख मारे या चे अक मारो सिंह शेर पार्वती को शेर और मारो नादियो, वह दोनों आपस के मायने एक दूसरा देख रहा क्या काटे थे नादियो या खेचे कि तू कहीं समझ मिले छे। पार्वती का शेर ने आंख बात दिखाओ जर वह खेचे कि मन खेते लाना अगर ऑर्डर मिल जाओ तो मैं तारा दो टूक कर दू एक दफा खा देना। यह बात सोच और मैं तो भगवान बहुत दुखी होकर और जहर तक आ चुकी हूं मगर मारू तो मैं तो मरी भी कौन मारी जी जिंदो जी। तो देखो वो बड़ो आदमी खेचे कि आपको दुख दूसरा ने खेचे दूसरा को दुख सुनिया सु आपको दुख आप ही कम जाओ से। विष्णु भगवान बोले कि बोला ना तसल्ली करो देखो बैठो मारी सुनो था का तो थे तो था का दुख ने गा दिया मारा दुख की बात सुनो कहते था गाई को दुख तो थे तो मौज करो जो कहते देखो पहलो दुख तो मारे या कि था का दो लुगाई चेर मारे एक ही छेने हाँ की था के कैलाश के मायने रह चेने वे एक था की जटा में रह चेर एक था का चरणा में सेवा करे चे कचा मारू लुगाई को पतो ही को न कदे बंगी कर कदे बाणिया कर कदे ब्राह्मण कर घर घर में आया लक्ष्मी छे जो डोलती पर और मैंने बहुत समझाऊ की मान तू मान लेकिन रुके नहीं कौन रुके भाई बोलो जो शंकर भगवान देखी किया काम जोर को वास्तव में कि महाराज यह तो थान वास्तव में ज्यादा दुखे रही अरे कहते दूसरी बात था के दो बेटा जे और मारे एक ही बेटो थे जी को नाम से काम दे जो भक्त मारी भक्ति करते ना वहां नहीं जा रहा वहां का दिमाग अपसेट कर दे भगवान की माला फिर लार कोई दी गए कोई ई तरीका को सीन तो वो राम जी ने भूल जाओ लार ऊंडी की जांग लग जाओ इतनी बात सुनता ही शंकर भगवान क्या कहते बस अब रहे जो अतरी गणी मैं तो कहीं कौन मरू और थान कार में खयो तो था का तो और भी ज्यादा जीवन रम्मा च मधु पार्वती ने मना लू ला तो पार्वती के ना आ जाओ चाहे राजीनामो कर ले जाएगा जब मैं जा रही थी थे कोट जा रहा थे मृत्यु लोक में तो कह मैं कौन चालू नहीं गई। शंकर भगवान देखे थे कि बाहरी राज्य की रिच बार फिर नाराज जाओ निकले चाल तो चाल तो धोनी का धोनी चाल रहा है और एक गांव के मायने आ जाओ चाहे वो पंचायती जाना पहले थाया भी खेल रहा आया थाया पंच थाई ने देकर पार्वती जी पूछ रही थे कि पतिदेव यो काई छे तो भगवान शंकर उन्हें काई घेरे थे शंकर बार बार समझाई मान महासती मान शंकर बार बार समझाई मान महासती मान थोड़ो बार 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 बार
पतिमान मारी बात सुन लगी पतिदेव मन या ही को और तो बता दे होगी उच्छे काय बाल ये पीपली का पेड़ की छाया के माये ना ये मोटा मोटा बाठारी पट्टिया सी कहीं पड़ी थे कहते यो पंचताई थे कहते यह काय बाल से पंचताई काय नहीं कहते कहते एक पार्वती मा तो मथुरा वाल धारी शुरुआत है कलयुग की मां आगन चाल गण काय काय कहते जी आगा की बात छोड़ बलिए को न्याय बताऊ मन पार्वती जी ने जाने ही जाए कि वो चीन भी मृत्यु लोग में घूम आए थे तो दो चार ऐसा कांड कर जाओ जी भगवान शंकर के साथ में जो दो चार भक्तों को तो उद्धार है ही जाओ तो जिद कर ली मन यह बताओ ही वो काई थे जद समझा रहे थे कौन पंच कैसी पंचायत नाथ मुझे बतलाओ कौन पंच कैसी पंचायत नाथ मुझे बतलाओ अजी मेरे मन में शंका हो रही इसको नाथ मिटाओ कौन पंच कैसी पंचायत नाथ मुझे बतलाओ अजी मेरे मन में शंका हो गई इसको नाथ मिटाओ कह के पार्वती मुस्काई मन महासतीमान शंकर बार बार समझाई मन महासतीमान बोलो बाबो बार बार समझाई मन महासतीमान ऐसी पंचायत नाथ मुझे बतलाओ मेरे मन में शंका हो रही इसको आप मिटाओ इनते मारी शंका को समाधान तो करो जब खा रोज भगवान शंकर कह रहे सुन मारी बात आके सुनाओ पार्वती जाने जाग बार थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी जी को गुस्सा आता है ठंडो को नहीं जी राजी राजी बोल रहे तो बताओ कहीं अरे यहाँ पर न्याय सत्य का होता सुनो सती महारानी पार्वती सुन रही से न तू अरे यहाँ पे न्याय सत्य का होता सुनो सती महारानी करे दूध का दूध अलग कर दे पानी का पानी यहाँ पे न्याय सत्य का होता सुनो सती महारानी करे दूध का दूध अलग कर दे रे पानी का पानी दूध न अलग कर दे पानी न अलग कर दे इंडा को न्याय तो अपना देवता लोग भी तगड़ो न्याय से दोनों पतो थे कोने एक बार नोगरे आपस में लड़ पड़िया थे जहां वो न्याय ब्रह्मा विष्णु और मारसू भी कोने हो तो वाई उज्जैन को राजा विक्रमादित्य को न्याय करे तो यह मुंडा की पंचायत जय मृत्यु लोग की यहाँ पे न्याय सत्य का होता सुनो सती महारानी करे दूध का दूध अलग कर दे पानी का पानी यहाँ पर दंड भरे अन्याय मान महासतीमान शंकर बार बार समझाई मान महासतीमान मान महासतीमान लीनी काहे को हट ठान से कहते हैं पंचताई मान महासतीमान भोलो बाबो बार बार समझाई मान महासतीमान भगवान की यहां पर न्याय सत्य का होता सुनो सती महारानी अंडे न्याय करे थे भाई अंडे कोई भी काई आपस में दो आदमी लड़ पड़े ना वहां को न्याय अंडे है थे पार्वती अच्छा कचा न्याय कौन करे थे अंडा का पंचलोक करे थे और न्याय को यह थे पार्वती अगर दूध को दूध और पानी को पानी यह कौन है भाई बेकसूर आदमी अंड दंड मिल गो दंड तो अंड पापी आदमी नहीं मिले छे अच्छा कचा अजी तो कचे पतिदेव
इन न्याय ने देख लिया जी आप तो देखो तारू दिमाग खराब हो रही थे कहीं आलधानी तो हमें कैलाश पर्वत से उतरिया जाए नीचा ने और तू यह खरी से न्याय देगा न्याय कण दो दिन में आओ कोई न्याय कहना पांच दिन में आओ या थोड़ी देर भाई लाग रही थी न्याय की 21 दिन भी लाग सके अजी 51 दिन लाग जा और आप तो दिन में 4 आ जा नहीं साहब कहते मत न्याय देखे मना तो कौन चालू अंडा के देखो फालतू की बात मत करो चालो आपने अगर जल्दी है ना तो आप जा सको तो आपने कोई रोक रोको आप तो न्याय देख रहा वाला शंकर भगवान देखी यो कहीं चक्कर ही हो कि कौन चाल तू कद नहीं देख चाल कद नहीं नादिया पकड़ बैठ नादिया मारा एक सोट लगाओ तो मगर नादियो तो उल्टो सीधे गल जाओ को ना फुटो गल बाग बोलो चिमटा न उठावर कुंडी पड़ जा कुंडी उठावर चिमटो पड़ जा शंकर भगवान देखी रो आज जीवन रम्मा दियो कि पार्वती ले चालने का तो खेती ना था ने भगवान शंकर मन में विचार करिया कि आप अगर न्याय का इंतजार में बैठे रह लाग तो कहना वास्तव में कद न्याय आओ तो कि पार्वती तू न्याय देख रही चाल ली कहते हाँ तो कहते फिर तो जल्दी करो पढ़ो लो काम एक काम कर तू सोन चढ़ी को रूप बना ले और ये पीपली की डाल के ऊपर बैठ जा और अंडा सु न्याय देख जो बार में कोई कोई ने न्याय चेता हूं तू अच्छा कि ठीक तो सोन चढ़ी बन गई पार्वती जी और शंकर भगवान गांव में देख रही तो काय तरीका को मैट रहा हो भाई अंडे हेरता 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 सब आदमी ने देखता देखता ही एक जाट के घर पहुंच गया हूं जाट को ना तू सो चंदो शंकर भगवान मन में विचार करिए कि यो भी आपनों भक्त से और ये जगह आपनो मामलो फिट है जाओ लो सो चंदो धन गया पहले लेबलदा ने खेत कमाए ने हल बाबू चले जाओ जो और दो परी कमाए ने घराली कलियो ले रहा हो जी याओ को नेम चो सोचन दो जार तो चले वो खेत कमाए ने और पाचन सु दूसरो सोचन दो तैयार है वो अहिया किया लंबाई अहिया किया आंखिया अहिया किया मूछिया एक हाँ त्रिलो की नाचा सा एक हल को फड़ो सोचन दा जाट का बाव पिंडी कमाए ने लागो जो तो शंकर भगवान की पिंडी में भी यहां किया सेट कर लियो आंख उड़ फर्क न पड़ जाओ जरा सो भी दूसरो सोचन दो बनगा और सोचन दो बने और काई बात बन रही जमा की हाँ साहब अरे अंतर ध्यान हुए शिव शंकर एक जाट घर आए अंतर ध्यान हुए शिव शंकर एक जाट घर आए जैसा रूप बना था जाट का वैसा रूप बनाए अंतर ध्यान हुए शिव शंकर एक जाट घर आए अरे जैसा रूप बना था जाट का वैसा रूप बनाए घर की घर की घर मकान पोड़ का ही जार कमाड़ खटखटा रहे और काई करो घर की कुंडी जाए बजाई मान महासती मां ने घर बार बार समझाई मान महासती मां चंदो मणगो साहब और पोड़ का कमाड़ा ने चार राजी तो थोड़ी कटकटा वह तो जोर जोर से बड़बड़ा बल्लो को कमाड़ा गए साकल ने बजा बल्लो को ए जाटनी ए पटेला ने कमाड़ खोल ज्यादा टाइम मत लगा मन में विचार करी जाटनी की ये या पटेल बार खेतांग मायने हल बाबा गए जोरी ओट रहे कहीं आगो तो भागर कमाड़ खोली और खोलता ही सोचंदा जाट ने देख और काई खरीचे
खोल के मार जो अटड़ी बोली आज तो जल्दी आए, खोल के मार जो अटड़ी बोली आज तो जल्दी आए। पति देवा तो जल्दी कहीं आया, आलदानी में दोपरी को कलियो भी कौन ले रहे, कहते दोपरी का कलिया की बात या देख मन तो जाता ही भूख लग गई, और मारा पेट कमाए ना ऊंदा लड़ रहा थे मैं रोटी कौन बनाई आलदानी, तो या आज कहीं को था पेट में कहीं कूड़ा जा गया ही कहीं। फालतू की बात करे मत भाषा मरी तू फटाफट रोटी गाल दे, तो कहीं खेरिया थे वो सोचंदा बनेड़ा शंकर भगवान। अरे खोल के मारे जाटनी बोली आज तो जल्दी आए, अरे कहे जाट तू सुनिए जाटनी मुझको भूख सताए, कहे जाट तुम सुनो जाटनी मुझको भूख सताए, जल्दी रोटी गल लगाई मान मा सती मान शंकर बार बार समझाई मान मा सती मान। भगवान की बल नहीं का नाथ की माँ का तो नहीं का नाथ ही कर दे भाई, ज्यादा काम सारा बगड़िया का मान जी पहली जवा की रोटी खुआ दी जाट ने, कदलो जाओ जाओ कोटे गज मारो रोटी माँ खराब है रे जो आज अपना तो काम आम कहीं को घाट बचा तेरे बचावना कर दा अपना तो पड़ेगा वाला था यो कहीं जची था कद खे दी तो बात ज्यादा खोपड़ी खराब कर भाई जरूरत कौन से सोचंदा जाट बनेड़ा शंकर भगवान कदानी खाट बिछा दिया भोजन करा दिया और दो तीन ओढ़ और सो बल लागे और अचानक कजेंडा कज काई बात छे कज बार में गांव में सो आ रही तुझे एक बरू भी डोल रही तुम्हारा बड्डा कुछ अशो जोर को सांग काटे जा आज तो जाय भाई मन काट ले ऊन दे लुख ले मन लुख वाले ऊन काट ले या रूबरू अशा कुछ हुई छे अच्छा कच हाँ कचा आ सके आप रोटी भी कहीं ठीक मांग वाला दो रुपया कहीं से खैर तुम्हारा दिमाग मत खराब कर जो मन जगा जो मत आओ तो आता रे। अब वह जाट बनेड़ा भगवान शंकर तो सो जाओ जे और दोपरी के माह कलियो कहीं लेब लेर जावे लुगाई वह तो जानगी भाई पति देव तो आएगा रोटी कुंड ले चला वह असली जाट खेता के माह ने हलवाई रहे जो हल बाता बाता देख ही रहे दोपरी एक गिर दोपरी ढलवाई लगी आज पटेलन कोड़ी जा मेरी। अब पेट का मायने आदमी अगर काम कर तो और भूख लाग बकर जन तो उन्हें बहुत झुंझला हो अतरा जोर को गुस्सो खायो जब छोट बलदानर ले परानी हाथ में मोरे टांग्या आपकी दोस्ती का और गांव ओड़ी रुक कर लियो भाग्य आ रही हो और मन में खूब गाने काटे और थारी ने जागनी आज कोड़ मर गिरे और वह आयो वह जाट मायने सूतो सोचंदो बनेड़ो शंकर भगवान और बारह ना आता है वहां तो शंकर भगवान तो कुंडी बजाई जी बार एक लात दी हूं कमाने के रे जाटनी कोड़ मर गई तू बारह ना तो यार तुम बारह ने बात करूं ला मैं जद वह देखी कि यह कुंड की सी आवाज था अपना तो ये पति देव की सी आवाज बारह चुका ही आई कच कुंडचे कच आलधानी तो यही पूछ रही थे कुंडचे बारह निकल बारह ने जाट देखी अरे आरू पटेलन का तो फीस उड़ गया करो बाहर यू कहीं चक्कर दे एक साथ दो दो मारो पति यो छे मारो पति यो छे जिन में रोटी खुआ दी आ क्या फाटी की फाटी रहेगी सोचन दो जाड़ दी गिरी या मार उड़ी कहीं बात जहां गिरी से कोड़ी का कहीं चक्कर पड़ गो कोई बैग गी कहीं बावली है गी कहीं कहीं जहां गिरी जहां क्या फाड़ फाड़ मगर वह जवाब कौन दी वहां तो देखे जा रही हूं सोचन जो देखी रो थारी ने रोटी की रोटी कौन जाए आके फाड़ फाड़ जहां गिरी दो साठ पुरानी खेची दिमाग ने सेंटर में ले रहा पहली तुम कच का बात कच रोटी क्यों ले रहा है खेत अंगवाई ने
कहते तू छह गुण पे लिया बता वो भैरू पे तो न जो बार मार पति देव फिरे जी सोचन तो देगी रही यो काई हो गई वो चतुर्थर को कहीं कोई बड़वेट में आएगी बड़की कहीं कहते कहीं एक बैग मारी कहते एक बैग तू मारियो तो चले जाना तू मारो घर को नहीं सूत से बात बीजू कहीं ले जाओ जो कहीं पाव लो टको कहीं भी गाल लो जो भाई गाल लो अरे आर सोचन तो बाहर मिली रहा बाहर है मार तो लुगाई पागल लेगी दो चार लपड़ा थपड़ा दीर पानी का छाटा दिया कहते है कहीं रो कहते तू छे कौन बाबा साहब कहते मैं सोचन दो सुने सुमारे अंडा सुगो जो जो तो बात देखी सोचन दो यही दी भाई फिर यो कौन से तुमको मुंडो गाड़ देगी कहीं बात है वह ऊन देख ऊन देख दो ने देख और चक्कर में पड़गी आज चक्कर ही कहा ये रो और वह आपस में शंकर भगवान ने देख कहते तू कौन से रे कहते तू कौन से कहते मैं सोचन दो अरे कहते वाह वाह सोचन दो तुम्हें छू असली या लुगाई गुण की या लुगाई मारी आपस में दोनी दड़ा दड़ लपड़ थप्पड़ चणकार कट बोलिया पटा पट माच की और लुगाई बाहर मेल गांव ओडी बागीर काई हेरी ची बात लगाई उठ जाटनी उठ आए प्यास के मारे गला सूख रहा लिया पानी की घूंट जाटनी भीतर से गुर्राई मान महासती मां ने शंकर बार बार समझाई मान महासती मां जाटनी पंचागन आ गई और बाहर मेल रोब लगी कि मैं करूं काई मारो तो न्याय करो कहते भाई काई बात ठाया का माए ने दस पांच आदमी बेड़ागा अरे कहते एक बात बताओ रही सोचन था जाट की लुगाई के चक्कर काई पड़ रही थी या कहीं बाहर गाल तैयारी से आया रोती देकर कहते काई बात है भाई अरे बार कहते मारे साथ तो भाई पंचो बहुत अन्याय है गो बात तो बता कच मारे तो घर हूं दो दो हजार डबल हो नहीं आई कच भाई कौन है कच भाई मां को घर को मालिक हो और कौन सोचन दा भी खेरी जाएगा ही कचा तो कच वो कहीं चक्कर से अजी कच वो तो दो है गा मां घर और दोनी एक साइज वो भी देखिया कि यो कहीं चक्कर हो या जाटनी को चतुतर को कहीं पटलन कहीं एक बैग मारी कच कहीं बात चाहिए या कहीं वाणी कोई बात सही कौन भी दुनिया में कौन देगी कही एक का दो जे अजी कहते था कि सोगन बात तो वाकी वाई चेर बात तो यह कहते मारी या लुगाई रही हमारा घर में और वो यह कहते नहीं मारी जे लुगाई रही घर मारू चेर मैं खुद यह कौन समझ पारी कि ये मैं सोचन दो कुछ जद वह देखी भाई यह बात तो कौन है सके छोरा ने खंडे अगर जा रहे घर देख रहा अगर वो छे तो सोचन दानंद बुला लिया तो काई बात है रही देखो काई बात बन रही अजी न्याय करो अन्याय हो रहा मैं हूं किसकी नारी घर में मारा घर के मायने दो दो पुरुष लड़े घर माई मान महासती माने शंकर बार बार समझाई मान महासती मान थोड़ो बार बार समझाई मान महासती मान We'll be right back.
दो पुरुष लड़े घर माई मान मास अतिमान। तो एक छोरा ने भेजा कल जा रहा सो चंदा ने बुला लिया जो छोरो जा रू सो चंदा के गुआड़ी में जा आवाज दे देगा सो चंदा जो दो बाग रहा होगा तो कहीं बात है जो तो वह छोर भी दिख रो बार वास्तव में दो दो से कच भाई था सो चंदो कुण से जिन खाया कमाए ने बुला रहा तो पटेल आदमी तो कहते मैं नहीं बुला रहा था मैं तो सो चंदा रहेगा तो तू कोड़ा सो आई तो भाई रुपया मैं तू सो चंदो तो धोनी का धोनी पट्टी लगाया और पंचा के सामने आता है पंच भी देख रो रो तो यू का ही चक्कर रहे तो धोनी का धोनी भाग आ रहे थे है बगो और यहां देख रहा कि यू चक्कर ही कहीं चक्कर जिंदगी में सुनिया भी कौन है आपनी जिंदगी में भी सामने कोई बात को नहीं ये तो वाकई में डबल डबल नहीं आई रही थे तो कहीं बात दे रही तुम्हारे पंच लोग सब बेड़ा होकर बुलाया सो चंदा पंच लोग सब बेड़ा होकर बुलवाया सो चंदा एक रूप जो जाट देख कर पड़ गया भारी फन्ना अरे एक रूप जो जाट देख कर पड़ गया भारी फन्ना न्याय नहीं पंचों से हो पाई मन महासचिव ने पंच लोग घबरागार देख रहे मन में विचार कर रहे अरे वारे वो तो न्याय यहां पर कर ही कौन सका न्याय नहीं पंचों से हो पाई मान महासतिमान भोलो बाबू बार बार समझाई मान महासतिमान मान महासतिमान लीनी काय को हटान किसे कहते हर पंच आई मान महासतिमान शंकर बार बार समझाई मान महासतिमान बार बार समझाई मान महासतिमान धोनी का धोनी आया के माई ना जाओ से और वो पटेल देख जो गुरु बारे वाकई में छह तो न्याय डबल अरे जहां गुल्लिया तू देख जो रे या सो चंदो कश होते मैं हमारा तो देवता है कौन पता नहीं तो धोनी एक साई बोल रहे हो जगह बर्बाद तू देख जो कज भाई आज रत्ती पर गोंदी के मान तो अरे यार न्याय कहीं है फिर और दो चार नामी पटेला ने बला लिया कहते गांव ने भी कर लिया यार आ तो चक्कर ही जोरदार पट रही थे और गांव ने बलावान छोरो खन्ना दी और काई हेरी थे मान महासतिमान इन्हीं काहे को हट जान किसे कहते हैं पंचाई मान महासतिमान भोलो बार बार समझाई लाल नेत गोरा बदन भस्म रमावे अंग शिवजी थारी जटा में बह रही है गंग संग भूतों का टोला पार्वती के पीव नि पीवे नित भंग का गोला जो कैलाश पर्वत का मायने बैठ और भांग दतुरा के मायने अवधूत एडा रहचा आज वो पंचा के मायने उलझ रहे छे काई बात बन रही छे तो इन्हें ने पूछ रहे थे कि सोचन तो कौन से कच मैं वह कह जगह तू कौन है मैं छू कच यार ये न्याय कौन है रे भाई यहां को तो कच कहीं है एक दूसरों पटेल आ रहे डटो मारी बात बताओ भाई थे तू सोचन दो तार सासुर कोट से फलाण गांव अच्छा थारी बोर गत कुण कुण मुझे फलाना फलाना आदमी ना त्रपी से दे मिले जद वो शंकर भगवान जो नकली सो चंदा बने छाग कच उन दे मिले जे तो दे मिले मगर वो छह महीना करार करियो तो जे आज 8.5 महीने का बोल ही बात को और बार कस तो कहे कि आने कहते सो चंदो छू ही महीने जद वो
असली सोच तो जे बात बताओ जिसको दुगनी बात तो वो शंकर भगवान बता दे। और वो पटेल पूछे क्यों भाई ये बात से कहीं हाँ का तो छह तो कणा कहीं ज्ञान पढ़ को बह रुपया नहीं कणा कोड़ा से आपको मैं ये एक बात पूछू ये हमारी कणा सारी करके रबरे भी जाना चाहिए खूब आगता है कहते यहां तो पार पड़े कौन तो कहते यार कालू पटेल ने ले रहा हूं वह न्याय करो लो कालू पटेल के आंखें सु कौन दी के पग चाले कौन जाओ खाट कमाए ने पड़े पड़े न्याय करो जो खाट ने उठा थाया कमाए लिया है कहते भाई बात कहीं कहते यह बात से कोई नब्बे सो भी ऊंचो काम चो सो मजरा सो घटो छो कणा कतरा बसंत देख लिया था कहते भाई न्याय करो काई बात से भाई कहते या चक्कर चेर ये सो चंदा दो है कहीं गाँव के मायने अरे दो नहीं आपस में लड़ रहे थे या घर मारो या घर मारो या घर मारो और आज माने कहते सारो धन है घुमासो न्याय बम को नरी जब पटेल भी है देखी कि मामलो जटिल से तो कहते भाई मैं खाऊ जिया करो कहते काई कहते खुमारा के जा रे कलश लिया वो माटी को तुरंत लिया है कहते या लो तो कच भाई मन दिक्कत तो छे कोने पण वो दोनी सो चंदा छे कोने जे ने मारे सामने ल्याओ जे बस वो सो चंदा खेबा की देर दोनी को दोनी भाग रहे कच हां बोलो कच हां बोलो कच भाई थे दोनी आ गए के जा तो कच था को न्याय करू कई मैं करो तो कच करो यो तो भाई रुपये चर बखे देन मैं भाई रुपये चो तू से भाई रुपये आपस में लड़ रिया और लुगाई बावली है रिया जहां करी जान कोई नकड़ा के मायने भाई पड़ के जाओ से वो ना आज भी एल बेल मार पर लग जाओ जिया झांकरी मारू घर को नहीं कश से और आंखिया के मायने सो आंसू कौन डट रहा तो सारा ढांक रहा रे जे लुगाई आवे ये काई बात रे बारे के मार तो कड़ा काई चक्कर पड़ गई तो देखो वाह पटेल काई न्याय कर रहे तुम्हारा को हाँ साहब भाई सोचंदा हो कहा ये चोने सोचंदा था कोई एक छह तो सही बात में जाना था अजी कहते मैं छू कहते भगत आया कौन माना माँ की बात सुनो अरे तीन बार जो घस एक कलश कमाए ने घुस गया ऊ की तो लुगाई चे अरे या ऊ कोई घर चे भाई तीन बार जो घुसे कलश में उसका घर और नारी झगड़ा बंद करो रे भाई मान महासती माने झगड़ा बंद करो रे भाई मान महासती माने शंकर बार बार समझाई मान महासती माने पहली पूजा कहते भाई अंडा अरे सोचंदा अजी कहते वह कहीं देखते मच को जहां तू भी सोचंदो ही चाहे पर थाम तू एक अंडा हो कहते कलश का मायने तीन बार जो घुस जाओ लो उनकी लुगाई रू को कर या सुनता ही जो वो असली सोचंदो जो ने जोर सुबार में लियो रहा बार हमारा तो गई रहे हमारी जमीन भी गई रहे बार मकाई को अरे राम मारी लुगाई और गई मारा घर ढूंढा गया मैं जाऊं भी तो कोड़ जाऊंगा और उन पूछा कहते भाई तू हाँ कह जहां पर तीन बार गई मैं पचास बार घुस जाऊं ये काई बात कर दो तीन काई कालू पटेल मन में जान गो कहा न्याय गला आ रही
अच्छा भाई जो भी असली है वो सोचन दो, वो गुसर बता दो तो काय है रे जे। अरे नकली बोला तीन बार, क्या मैं तीस बार घुस जाऊं? और नकली बोला तीस बार, क्या तीस बार घुस जाऊं? अरे मेरा घर मेरी घर वाली सबको आज बताऊं। वो नकली बोला तीन बार, क्या तीस बार घुस जाऊं? अरे मेरा घर मेरी घर वाली मैं पंचों को बतलाऊं। दो बार घुसे कलस के माई मान महासती माने, दो बार घुसे कलस के माई मान महासती मान, घोड़ो बार बार समझाई मान महासती मान। मान महासती मान लीनी काहे को हट ठान, इसे कहते हैं पंचयताई मान महासती मान। शंकर बार बार समझाई मान महासती मान। भगवान की ये हो। नकली बोला तीन बार, क्या मैं तीस बार घुस जाऊं? और मेरा घर और मेरी घरवाली या पंचों को बतला मैं। आज सबके सामने बाया हूं सारो गांव बेड़ो रे, जब मैं चू असली सोचन तो देख लीजियो। पार्वती जी डाल के माले बेटी सोन चढ़ी को रूप बना रहे, जोरदार काम भाई अंड। तो आपका पति तो जाने ही जी शंकर भगवान ने, तो वो तो वह भी शक्ति जी वगा ही कम थोड़ी जी। मगर बड़ो आनंद आ रहे हो कि वाकई में न्याय गजब को हो रही हो तो साहब। बोला मैं तीन बार को ने तीस बार घुस जाऊंगा। कालू पटेल बोलियो भाई अरे तीस बार को ने रे भाई तीन ही बार कहता है कचे। देखो एक बार दस रही हो एक बार वो कलश कमाए ने घुसर बारा निकले तो बोलो फिर दूसरा घुसया। और जो दोबर घुसया जो पटेल था तो वो सारा पटेल तुरंत जानगा या कोई जोरदार बेबाल से। और आज की शाम अतंडा आई से वहां का पटेला का मन की पटेल ही जान रहा। पार्वती ने ज्ञान थोड़ी जो गंड पति देव माले यहां पता जी। तीसरी बार शंकर भगवान घुसया और तुरंत हाथ कमाए ने पाली चीज ढक दियो। बस करो है वो जाप तो अब घोड़े जाओ लो। कच यो काई कच भाई सो चंदा कच हां कच या थारी लुगाई चर या थारी घराली और या थारो घर चे ये खेत वेत सब थारा है जा मस्त्र। और तीसरी बार माए ने घुसता है ढकना सो बंद कर और काई बात बन रही चे बन जाओ। तीजी बार घुसे शिव शंकर ऊपर ढक दिया ढकना। तीजी बार घुसे शिव शंकर ऊपर ढक दिया ढकना। भूल जाएगा और किसी की घर और नारी रखना। अरे तीजी बार घुसे शिव शंकर ऊपर ढक दिया ढकना। अरे भूल जाएगा और किसी की घर नारी को रखना। रे झगड़ा ओ झगड़ा ओ झगड़ा बंद करो रे भाई मान महासती मान। शंकर बार बार समझाई मान महासती मान। अजीब से भोला हतरा से कि बोला जरा सी भक्ति कर मन माओ सो चीज मांग लियो। गांजा में भांग में अवधूत एडा रहे थे मगर एक शिक्षा नशा के मायने पार्वती जी ने कहीं दे रहे जवा कैलाश के ऊपर बैठे बैठे खेरे जाए एक दिन कहीं कह शंकर सुन पार्वती विद्या मत देती गमारन को। बिजिया खेज भांग ने
कह शंकर सुन पार्वती बिजिया मत देत गंवारन को, बालक पीवे बक बक हंसे वो बूढ़ा पीवे जख मारन को। रजपूत लड़े रजपूत पीवे रण खेत लड़े, गज हस्त के दंतु खाड़न को। एक चूच चिड़िया पीले उथेल डाले बाज को, अरे एक घूटी तिरिया पीले तो भूल जाए लाज को। इसे कहते हैं पंच रताई मान महासती मान भोलो बार बार समझाई मान महासती मान। शंकर भगवान की हो, बल नहीं का नाथ की हो। वाह वाह जय तो अशी बोलनी चाहिए जी। तीजी बार गुस्से शिव शंकर ऊपर ढक दिया ढकना, और भूल जाएगा और किसी की घर और नारी रखना। इनका मायने कोई जोरदार बेबाल छे तो कुछ काई करा भी को। सोचन दो तो आपकी लुगाई ने लेर थूक मुटिया मर तीदरी को पूत को तो पाचन फर जाके कोने सड़ा। आज के शोक तो नहीं क्यों सुरा आपने तो आज तुम नरचुई फकीर है जाता लुगाई भी चले जाती सब कुछ बर्बाद है जाता। मगर आज तो पंचागर नया था ना पटेल तो या कोई आपत मारन तो बेजा करती इंतजार भाई कीजिए बात तो चले गो। और पाचा ने पटेल बतला रहा जा और पार्वती जी मन में विचार कर जा कहना काई न्याय कर ला साहब आल था खाना काई न्याय कर ला। एक पटेल खचे भाई यहाँ करो इन गड्ढा जो गड्ढा कमाए नीति में आपत बहुत जोर की। अरे गड्ढावा को नाम लेता है पार्वती जो काल जो थोड़ा थोड़ा यो राम यो कहीं चक्कर रही थे मारा पति ने गड्ढा कमाए ने मेल गाड़ रिया जी तो आया शरीर कमाए ने झुरझुरी लागी पर बोली को ना कि न्याय ने देखा तो सर। दूसरो खचे खचे कोटे गाड़ा खचे मुंडी खोड़ क्या खाल उड़ी गाड़िया जद वह दूसरों पटेल था दिमाग खराब है रिसे कहीं कच क्यों कहते चौमासा के मायने जो कोई खेत को दणी कोई पिलावा तो दे दियो ने खेत के मायने तो या घड़ो बारा नकल को तो सबर पहली सारा पटेला को नंबर ले लो। और वार कच वाकई में सही से तो कच अजी इंतजार भाई सुमंडरी जे तो हूं असली सोचंदा सुमंडरी जी। तो आखिर के माय ने कालू पटेल गए पका पटेल भाई पटेल बता भी कहीं करें कहते हैं घर यार मन दो मन ढाई मन पांच मन लकड़ियां को ढेर लगा दो और लकड़ियां के माय ने मेल बास से लगा दो खत्म। अरे वो लो बांध ना बजली बासरी या बात सुनता है यार पार्वती जी को आकाश फाट गो रो राम यो कहीं रे तुम्हारा बोला भंडारी ने या नहीं बाल बान भस्म करवा के तानी। ये तो ये कामदेव नहीं भस्म कर दिया यार आज ही कलयुग का मायने न्याय बड़ो गजब को थे जी तिरलो की नाद नहीं बसम करवाने लाग रहे थे। मन में विचार करी कि गोरा भाग तो भाग नहीं तो आ थारो चूड़ा को नंबर आ बालो से। तो काई बात मंडी से देखो अरे लकड़ी मंगा कर चिता बना दो घड़ा बीच में रख दो। कालू पटेल खेरे थे लकड़ी बना लकड़ी मंगाओ चिता बना कर घड़ा बीच में रख दो। इसमें जिंद घुसा है बारी एक मायने बहुत बड़ो जिंद घुसियो थे। अरे इसमें जिंद घुसा है भारी अग्नि तुरंत लगाओ। अरे इसमें जिंद घुसा है भारी अग्नि तुरंत लगा दो। क्या बात सुनता ही सुन के पार्वती ओ सुन के पार्वती घबराई मान महासती मान ने शंकर बार बार समझाई मान महासती मान। लीन
ऑर्डर दे छे कि हाँ भाई घड़ा के मायने जो बैपाल छे एक घड़ा समेत इन आग लगा दी चिता के मायने दर दियो। मान महासती मान लेनी काहे को हट ठान इसे कहते हैं पंथ अताई। मान महासती मान बोलो बार बार समझाई। मान महासती मान बोलो बाबू बार बार समझाई। मान महासती मान शंकर भगवान की ये बात आज लाग रही थी था कि बड़ो आनंद आ रही भगवान शंकर की कृपा आ रही था कमाल। पार्वती जी देखी का आपके बास से लगा दी उस पहली काई करो तो कर लियो नहीं तो या तो हाथ आम सुई बाजी चाली औरत को रूप आपको असली रूप बना लिए थे। और वाह खेचे की भाई पंच लोगों एक न्याय मारो भी करते हो कहते तू कहीं खेचे भाई तू भी गई टेम तो पांचों पटेल सारा गांव का बेड़ा है इड़ा चे। तो पार्वती पंचन काई खैरी चे और काई आपको न्याय करा रही चे। हाँ साहब असली रूप बना कर बोली न्याय मेरा भी कर दियो। पार्वती खेरी जे आज असली रूप बना कर बोली न्याय मेरा भी कर दियो। मेरे पति की रक्षा खातिर घड़ा दान में दीजो। वाह असली रूप बना कर बोली न्याय मेरा भी कर दियो। अरे मेरे पति की रक्षा खातिर घड़ा दान में दीजो। मेरे पति की रक्षा खातिर खड़ा दान में दीजो। पार्वती मुख से यूं फरमाई। मान महासती मान पार्वती मुख से यूं फरमाई। मान महासती मान बोलो बार बार समझाई। मान महासती मान बोलो बार बार बहुत समझाई। पार्वती मान जिद मत करे मायन गड़ग मायन बैठे बैठे आग तैरा रे भगवान। आज आपन कुण बचाओ लोग आपा तो सारा ही सा अपना आपके मायन आपाई था सारा। मगर आज यो न्याय का माले जो कांटा का माले बात खुल रही छे आज तो आपनो काम है न जाओ बहुत दुख पड़िया। और मन में विचार करिया मायन बहुत समझाई तो पार्वती मान जाए। अरे पार्वती मान जाए मगर ये कौन मान तो दुखी यार मायने सुई दुखी एरिया जर खेरिया जे। मान महासती मान लेनी काहे को हट ठान इसे कहते हैं पंथ अताई। मान महासती मान बोलो बार 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 समझाई। मान महासती मान शंकर बार बार समझाई। मान महासती मान शंकर भगवान की मेरे पति की रक्षा खातिर या घड़ो दान में दीजिए। काई खरी जगह लक्ष्मी तू कोड़ा कीजे मैं तो न जाना भी कोने कचे जानवा की कोई जरूरत कोने। मारा पति का प्राण संकट में चेर वहां का प्राण ने बचावा के लिए मने या घड़ो दान में दे दी थी। थारो कोई सर्किट आउट से कहीं कैसे तू कोड़ा सवाई से तो ने ज्ञान कौन कहीं बार थोड़ी देर पर कहीं छो ही कमाई नहीं गड़ा कमाई नहीं कहीं छो बहुत
जबरदस्त बैबाल सिंह के मायने बावली थारो को चतुर डेडो छे गाई पागल है कि तू ही घड़ा ने मांग रही छे मन सारा पटलान ले बैठे बारा नकलता नकलता या तो मेन कणा कहीं बाट दिए के मायने दिया कोने का नहीं ई गड़ा को लेबो छोड़ दे नहीं तो तू मान और मरावली सारा गांव ने पाल उतार ली गई तो काई बात है रीजे देखो घड़े का लेना छोड़ सुंदरी इसमें आपत भारी घड़े का लेना छोड़ सुंदरी इसमें आपत भारी अरे आफत नहीं है इसमें मेरे शिव भोला भंडारी अरे आफत नहीं है इसमें मेरे शिव भोला भंडारी अरे वहां पर प्रगट भये त्रिपुरारी मान महासती माने वहां पर प्रगट भये त्रिपुरारी मान महासती माने शंकर बार बार समझाई मान महासती माने शंकर भगवान की घड़े का लेना छोड़ सुंदरी इसमें आपत भारी तो पार्वती खजे कहते आपत नहीं ये का मायने तो मारा पति छे कहते पतिवती काहे को ना तू भाग लड़ना तू मान मरावली काहे तू नहीं थारा पति कोड़ा दाजी कहते वही छे मारा ही पति जी के मायने और था को काहे बाल भी बांको कौन है तेई ने गड़ू मंदिर नहीं कहते तो गड़ो तो ध्यान मां की कोई दशा फराणी चाहिए कहीं तो गड़ो कौन दिया कहते थान पत्तो कौन कही मायने कुंड छे कहते मान पत्तो छे पण तो ने पत्तो कोने कहते मन तो छे पण थान कोने पत्तो तो कहते तू बता कुंड छे कहते पहली बात तो मन जान सको छो कोई ते कुंड छे आपको रूप बतायो पार्वती जी असली और जो पार्वती साक्षात शक्ति का जो दर्शन कर लियो तो वहां का तो पाप वाप सब दूर जाता रिया अंधकार दिमाग में आंखिया में जो छो जो सब मिटगोरवान तो ज्ञान है वो पगा के मायने पड़गा कि ओ हो माँ का काई भाग्य कच ये मारा पति चे मैं शंकर भगवान चे या ने बारे निकालो और शंकर भगवान ने बारा ने जो आया और आपको असली रूप दिखाया और अंतर ध्यान होगा अंतर ध्यान है बाद में काई बात तेरी चुमा के धन्य पंचोर धन्य पंचायत अरे धन्य पंचो भाई धन्य पंचोर धन पंचायत धन हो पंचो भाई कलयुग में अन्याय करेंगे पंच लोग साचाई धन्य पंच धन्य पंचायत धन्य हो पंचो भाई अरे कलयुग में अन्याय करेंगे पंच लोग साचाई ओ कविता नहीं ओ कविता अजी कविता यो लड्डू गोपाल जी पुराणा को बनायो भजन छे वहां की रचना छे वहां की बहुत बढ़िया रचना छे कविता बिल्कुल नहीं बनाई मान महासती माने शंकर बार बार समझाई मान महासती मान यो जो प्रोग्राम दियो जा रियो छे गायक कैलाश मारवाड़ी तबला के ऊपर भाई इंतजार साथ दे रहे हैं और ढोलक पे रमेश जी और मजीरे बजा रहे हैं हमारे स्टूडियो के खास आदमी पप्पू जी मस्ताना ये जो आवाज सुन रहे हैं बीच बीच में इन्हीं की है स्टूडियो किंग सहयोग मीणापान पैलेस गोनेर वालों की तरफ से
काहे को हटता इसे कहते हैं पंचताई। मानवा सत्यमान भोलो बाबू बार बार समझाई। मानवा सत्यमान धोनी का धोनी कैलाश पर्वत के ऊपर रवाना है जाओ छे और जा रहे छे। मान महासतिमान लीनी काहे को हटठान इसे कहते हैं पंचताई। मान महासतिमान शंकर बार बार समझाई। मान महासतिमान आज तो कैलाश में बैला गा बगर जब भगवान शंकर की स्तुति कहेंगा हो जाए। आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू नाच रहे भोले बाबा बांध पग घुंघरू। आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू नाच रहे भोले बाबा बांध पग घुंघरू। आज तो कैलाश में आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू नाच रहे भोले बाबा बांध पग घुंघरू। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जबा जो सहेलो माने होला जी लड़े लाए। जबा जो सहेलो माने होला जी लड़े लाए। जबा जो सहेलो शंकर के डमरू से निकला जय रघुनंदन जय सियाराम। शंकर के डमरू से निकला जय रघुनंदन जय सियाराम। नारद की वीणा से निकला पतित पावन सीताराम। नारद की वीणा से निकला पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। भिलनी के बेरों से निकला पतित पावन सीताराम। अर्जुन के गांडीव से निकला जय मधुसूदन जय घनश्याम। अर्जुन के गांडीव से निकला जय मधुसूदन जय घनश्याम। शंकर के डमरू से निकला रघुपति राघव राजा राम। नारद की वीणा से निकला पतित पावन सीताराम। भिलनी के बेरों से निकला जय रघुनंदन